आज का वीडियो मेडिकल ब्लॉग वीडियो है मेरे और मेरे बेटे का। लेकिन मैं ये छोटा सा इंट्रोडक्शन क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीजन है, ये खासकर बच्चों के लिए है। पेडियाट्रिक प्रॉब्लम, आजकल हर किसी के घर में हार्ड फ्लोरिंग है और स्कूल में ग्राउंड तो रहा नहीं, ग्राउंड में खेलने बहुत कम ही जाते हैं क्योंकि माहौल ऐसा है नहीं, तो दिन भर हार्ड सरफेस में रहने के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आंखों में। तो मेरा ये एडवाइस है, प्लीज घर में सॉफ्ट चप्पल यूज कीजिए और बच्चे को तो खास कर करवाइए, इससे आंखों में एडवर्स इफेक्ट बहुत कम होता है। बस इतना ही बोलना था, बाकी एंजॉय द वीडियो। हम दोनों 4-5 डॉक्टर के पास घूमे, जहाँ पहले गए डेंटिस्ट के पास, वहां से गए जनरल फिजिशियन, देन पेडियाट्रिशियन, फिर गए हम ऑर्थोपेडिक, देन आई स्पेशलिस्ट के पास, और जहाँ इसकी मम्मी नहीं थी। एंजॉयबल वीडियो है, एंजॉय कीजिए और मेरा ये एडवाइस जरूर याद रखिएगा और हो सके तो इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, ये सभी के लिए फायदेमंद होता है। Kashundi, an extraordinary creation of the Bengali. If it is genuine, it will endure and be appreciated just like true Bengali. 10 o'clock. आज क्या बात है? Vlogging शुरू किया। मैं फर्स्ट टाइम जा ची सिंगल जाऊँ हमरा। और हमारा पहला पड़ाव गंगा नदी को क्रॉस करना। तो लेट हो गया लो? छेड़े चले गए। और हम दोनों की मस्ती में फेरी ही छूट गया। अभी तो चलो। जल्दी तो थी हम दोनों को बहुत, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, और अभी हद 10 मिनट में फेरी है तो टेंशन नॉट। एक दिन में इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाने का प्लान हमारा बिल्कुल पहले से नहीं था, हम सिर्फ जा रहे थे डेंटिस्ट के पास इसका कैविटीज फिल कराने, जो बच्चों में बिल्कुल आम बात है, और उसके बाद हमें जाना था आई स्पेशलिस्ट के पास क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने इसका विजन में कुछ प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया। डेंटिस्ट के पास पहुंचते ही इसको फीवर आ गया। आपको देख के लग रहा है इसको फीवर है? मुझे भी नहीं लगा था, जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तब पता चला इसको फीवर है। तो डेंटल फिलिंग कराने के बाद हम जनरल फिजिशियन के पास पहुंच गए और उन्होंने रेफर कर दिया पेडियाट्रिशियन के पास। ऑपरेशन करवे ना, हमरा हॉस्पिटल जाबो एखन, पेडियाट्रिक प्रॉब्लम। क्लिनिक से हॉस्पिटल पैदल जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और कोइंसिडेंटली आज ई रिक्शा मिल गया जो क्लिनिक और हॉस्पिटल के बीच में चलती है, और हम चल पड़े उसी ई रिक्शो में। चारों तरफ का नज़ारा देखिए ज़रा, कितना ब्यूटीफुल है ना, बिकॉज दिस इज़ अ डिफेंस एरिया, और जिन्होंने डिफेंस एरिया नहीं देखा है वो कभी समझ नहीं पाएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सिविल एरिया एंड ए डिफेंस एरिया। हॉस्पिटल रिसेप्शन में एंट्री होने के बाद हम सीधे पहुंच गए पेडियाट्रिशियन के पास, एंड लुक एट द एरिया, how beautifully decorated, isn't it? पीडियाट्रिक डॉक्टर ने दवाई तो दिया लेकिन साथ में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के लिए भी एडवाइस किया, तो हम चले गए ऑर्थोपेडिक के पास और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा, सो वी लेफ्ट हॉस्पिटल वेरी हैप्पीली। कभी कभी इसका एक्टिविटी देख के मेरा बचपन मेरे आंखों के सामने आ जाता है, मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था, और ये भी मेरे ही जैसा है, आफ्टर ऑल ही इज माई सन। अब हम वहां से निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज आई हॉस्पिटल। जाते जाते इंडिविजुअल आदि का कुछ वीडियोस। फर्स्ट टाइम আমার সাথে বাইরে বেরিয়েছে আর আমি বাইরে বার করলে আমার সাথে যখন একা পেরে আমি সব কিছু করাই শিখতে হবে না। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो मेरे साथ अकेले निकला है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब उसने मेरे साथ पहली बार अकेले रिवर क्रॉस किया, और हर माँ की तरह इसकी माँ घर बैठे टेंशन कर रही है। पेरेंट्स बनने के बाद ही पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए कितने टेंशन किए होंगे या करते हैं अभी भी। अगर मौसम अच्छा हो तो यह नजारा बहुत अच्छा लगता है।
আইপিডি দিশাতে চলে গেছিলাম, এখন দিশার নতুন দুটো বিল্ডিং, তো ওই জন্য তো আবার আমরা ব্যাক টু ওপিডি। And now time is for some refreshment, जो हम घर से लेके आए हैं। ভালো নয়, চোখে ওষুধ দিয়ে বসিয়ে রেখেছি। 30 মিনিট পরে আবার চেক হবে। হ্যাঁ, अभी हम दोनों का कुछ important discussion चल रहा है, जो हम publicly बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैंने सोचा नहीं था आदि को इतनी छोटी उम्र में चश्मा लगाना पड़ेगा। एंड द रीजन बिहाइंड एज टोल्ड बाय द डॉक्टर, आजकल का स्टडी पैटर्न जो बच्चों को काफी देर तक बुक में ही उलझा के रखता है। कैसे कम करूं पढ़ाई का बोझ? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो आप सब लोग जानते ही हैं, और प्राइवेट स्कूल NCERT सिलेबस फॉलो ही नहीं करता। सो एज ए पेरेंट जितना हाथ में है उतना तो कर ही सकता हूँ, है ना?